नमस्कार दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, इस समय हम पीएचई डिपार्टमेंट के बाहर है, चीफ इंजीनियर पीएचई डिपार्टमेंट के बिल्कुल यहां पर प्रीमिसेस में है। और जहां बताना चाहेंगे, कुछ दिन पहले यहां पर एक खबर आई थी लगातार कि यहां पर जो आग लगने से, जो शॉर्ट सर्किट के माध्यम से, क्योंकि पास में पोल है, बिजली की तारें, कहीं ना कहीं आग लगने से सारे रिकॉर्ड जल गए हैं। पर हमने जो कैप्शन डाला, कैप्शन में क्योंकि तथ्यों के साथ खबर को अपनी व्यूवर से, अपनी जनता के समक्ष लाना कहीं ना कहीं हमारी ड्यूटी है। ये कहा गया था कि पीएचई विभाग में जितने भी डेली वेजर्स हैं उनके जो डॉक्यूमेंट्स से वो जलकर खाक हो गए हैं। पर ये भी बताना चाहेंगे, यहाँ पर पीएचई डेली वेजर्स भी हमारे साथ होंगे, इनसे भी बात करेंगे, क्या वाकई इनके ये रिकॉर्ड हैं जो इतने सालों से ये अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, जिनको उम्मीद है कि आज नहीं तो कल परमानेंट हो जाएंगे, रेगुलराइज पॉलिसी आएगी, तो हम कहीं ना कहीं हमारे आने वाले पीढ़ियों को या हमारे आगे जो जनरेशन है, बच्चों को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। पर ये आप देख रही है किस तरह से रिकॉर्ड झल कर बिल्कुल खाक हो गए हैं। पर ये बताना चाहेंगे, ये रिकॉर्ड नहीं है, ये पीएचई डेली वेजर्स के रिकॉर्ड नहीं है, ये हैं जो इंडेंट हैं, कागज़ हैं, अपने ऑफिस के इंडेंट हैं, वो ये रिकॉर्ड जल गया है शॉर्ट सर्किट लगने से। और ये जिस तरह से खबर आई थी, र्यूमर्स ये भी हुई थी कि डेली वेजर्स के रिकॉर्ड जल गए हैं, तो कहीं ना कहीं ना उम्मीदी थी, एक परेशानी थी। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हमने पूरी तरह से कंफर्म किया, बात की, तो उन लोगों ने ये साफ तौर पर कहा कि ये डेली वेजर्स के रिकॉर्ड नहीं है। जो भी समय डेली वेजर्स हमें देख रहे हैं वो राहत की सांस लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। गलत जो र्यूमर्स हैं उस पर ना जाएं, क्योंकि ये इंडेंट जले हैं, डेली वेजर्स के रिकॉर्ड नहीं जले हैं। क्योंकि डेली वेजर्स काफ़ी देर से एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कब राहत मिलेगी। डेली वेजर्स यहाँ इनसे बात करते, क्योंकि खबर र्यूमर यही थी कि डेली वेजर्स के रिकॉर्ड जल गए। रविहंस जी, क्या कहना चाहिए आप? देखिए मैम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि डेली वेजर को कहीं भी निराश होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डेली वेजर का कोई भी रिकॉर्ड जो है नहीं जला है। कुछ सिटी वन के कुछ फाइलों को थोड़ा सा नुकसान हुआ है, लेकिन डेली वेजरों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारा हर एक डिवीजन के अंदर रिकॉर्ड सेव है। यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड नहीं है, ये चीफ ऑफिस है, यहाँ पे जो रिकॉर्ड जला हुआ है ये डिपार्टमेंट का अपना कोई जैसे कनेक्शनों के कागज होते हैं या इंडेंट होते हैं, वो प्रोजेक्ट फाइलें होती हैं, वो पुरानी कोई फाइलें जली हुई हैं। हमारे डेली वेजरों के अगर कुछ फाइलों को सुना है कि कुछ चंद दो चार दस फाइलें जो हैं वो नुकसान हुआ है, वो सिटी वन डिवीजन का रिकॉर्ड है, लेकिन उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा ऑलरेडी डाटा जो है वो कंप्यूटराइज हो चुका है, और अगर किसी का यहाँ पे किसी फाइल को कोई नुकसान पहुंचा भी होगा तो डिपार्टमेंट के पास तीन तीन जगह पे रिकॉर्ड सेफ है। हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड सेफ है, डीसी ऑफिस में हमारा रिकॉर्ड ऑनलाइन हो चुका है, और कंप्यूटरों के ऊपर भी हमारा डाटा जो है वो बिल्कुल सेफ है। रविहंस जी, जिस तरह से आपने कहा कि डेली वेजर्स को घबराने की जरूरत नहीं है, कि रिकॉर्ड नहीं, क्योंकि एक खबर उठी थी कि रिकॉर्ड सारा जल गया हो, तो कहीं ना कहीं निराशा भी होगी, कई लोग नहीं अगर ऑफिस आए या घर में बैठे हैं। सवाल ये है कि निराशा, या आपने कहा कि टेंशन या परेशान होने की जरूरत नहीं, परेशानी तो अभी भी है, काफ़ी सालों की आज की परेशानी नहीं है, तो रिकॉर्ड है। पर आप लोगों की जिस तरह से खड़े हैं, जिंदगियाँ इस डिपार्टमेंट को दे दी और उम्मीद में कि कब रेगुलराइज होंगे, कब कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। जो लोग इस समय ऊपर भी जा चुके हैं, भगवान को प्यारे हो चुके हैं, उनका परिवार का बुरे हाल है, दो वक्त की रोटी को मोहताज है, लोग सुसाइड की तरफ जा रही ही चीज़ें देखकर, तो क्या कहना चाहेंगे आप, क्या किस तरह से आप इस चीज़ को बयां करते हैं? देखिए मैम, ये हमारी बदकिस्मती है डेली वेजरों की। आपने देखा होगा जो SI एस्पायरेंट थे, उन्होंने दो दिन प्रोटेस्ट किया, और जैसे बीजेपी की तरफ से स्पोक्स पर्सन है अभिनव शर्मा जी, एडवोकेट जो हैं, उन्होंने उस मुद्दे को हाईलाइट किया और दो चार लीगल पॉइंट्स जो बताए। तो हमारे जो इस वक्त मौजूदा LG साहब हैं, मनोज सिन्हा साहब, तो उन्होंने उनको रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन दे दी। लेकिन हम पिछले 27 सालों से अपनी डिमांडों को लेकर लड़ रहे हैं, आए दिन हमें प्रोटेस्ट, एजिटेशन है, हजारों बार सरकारों ने हमारे साथ एग्रीमेंट किए, डिपार्टमेंट में एग्रीमेंट किए, यहां तक कि LG मनोज सिन्हा साहब ने भी एक साल पहले 11 नवंबर 2020 को हमारे साथ राजभवन के अंदर वादा किया था कि DDC इलेक्शन के बाद आपके मसले हल कर दिए जाएंगे। लेकिन उन लोगों को रिलैक्सेशन देने में मनोज सिन्हा जी एकदम से सामने आ गए, दो दिन उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो उनको रिलैक्सेशन दे दी। लेकिन ये हमारे डेली वेजर जो 22,000 PHE के हैं, और कुल मिला के ऑल डिपार्टमेंट की बात करें तो 60,000 लोग हैं जिनको पिछले 27 साल से ये फ्री में सरकार का काम चला रहे हैं,
इस तरफ मनोज सिन्हा साहब जो है वादा करके भी मुकर गए, वादा करके भी आज तक कुछ नहीं कर पाए। और भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष रविंदर रैना जी जहाँ पे आए थे जब हमारी चेन हंगर स्ट्राइक चल रही थी, तो उन्होंने भी कहा था कि हम इस मसले का जल्द से जल्द हल करवाएंगे। खाली बयान दे देते हैं कि हम हल करवाएंगे। हम इन लोगों से यही कहना चाहते हैं कि आप इस चीज को सीरियसली लें। आप ऐसा ही एस्पायरेंट कितने थे, चंद लोग थे, चंद लोग उसमें आते हैं, लेकिन ये एक 60,000 की बहुत बड़ी संख्या है। इन लोगों को इग्नोर करके आप लोगों का भला होने वाला नहीं है। आप लोग कहते हैं हम सीएम बनाएंगे, हमने भी सोचा था पार इस बार लेंगे, कहां से 50 पार हो जाएंगे। ये पहले 25 तो बचा लो, जो पहले 25 आपने ली थी इन लोगों की बदौलत ली थी। इस बार तो बड़े कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी उसमें, अब कांग्रेस के नेता ने कांग्रेस पार्टी के पदों से इस्तीफा दिया, पर कहीं ना कहीं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज नेता थे वो पार्टी में, और कहीं ना उस बलबूते पर रविंदर रैना जी बड़े ही कॉन्फिडेंटली बड़े ही उस जोश के साथ कहते हैं इस बार 50 पार तो लेके रखेंगे। और जब हमने सवाल पूछा था उनसे विलय दिवस के ऊपर कि हमारे 65,000 डेली वेजर्स का क्या कहना, तो कहीं ना कहीं वो कहते हो जाएगा, पर ये समय निर्धारित नहीं किया कब होगा। जब हमने सवाल किया कि आपने मैनिफेस्टो में रखा था, उनका एक ही जवाब था हो जाएगा, नई पोस्टें आ रही, तो मैंने कहा पुरानों का क्यों नहीं ध्यान देते। मैम आपने नेताओं का जिक्र किया कि नेता पार्टी छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं, अच्छी बात है आ जाएं, लेकिन जनता वोट करेगी, नेता वोट नहीं करेंगे। वोट आखिरकार जनता ने देना, और अगर जनता दुखी होगी तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग इन लोगों को वोट देंगे। और जैसा आप कह रहे हैं सपने देखने में कौन सी बुराई है, सपने कोई बड़े भी देख, मैं भी सपना देखूं कि मैं भी कल चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ जाऊंगा या एलजी साहब की जगह मैं बैठ जाऊंगा। रेगुलराइज का सपना देखा, तो कहीं ना कहीं सरकारों ने आपके सपनों पर पानी फेरा। मैम डेली वेजर को आज हर एक आदमी, चाहे वो ट्रेड यूनियन लीडर हो, चाहे वो पोलिटिकल लीडर हो या कोई ब्यूरोक्रेट, उन्होंने ऐसे फुटबॉल बना लिया है कि इनको किक मारते रहो, खेलते रहो। आज हमारी सरकार, आप हमें वोट दे दो, हमारी सरकार आएगी, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। 2014 में भी हमने दे दिया, 2019 में भी दे दिया, डीडीसी इलेक्शन में भी दे दिया, बस बहुत हो गया। भरोसा एक बार किया जाता है, दो बार किया जाता है, तीन बार किया जाता है, लेकिन बार बार अगर आप झूठे वादे करते रहोगे कुछ होने वाला नहीं है। ये आप 50 पार की बात छोड़ दो, आप 25 तक भी नहीं पहुंच पाओगे अगर डेली वेजर को इग्नोर करोगे। आपको इतनी बात समझनी चाहिए, आप इलेक्शन पहले भी लड़ते थे, 2014 से पहले भी लड़ते थे। 2014 में दो ही मुद्दे थे जिन मुद्दों पे आपको वोट मिला, एक 9 लाख अनएम्प्लॉयमेंट यूथ था जिसको उमर अब्दुल्ला सरकार ने इग्नोर किया, और 2 साल जो ऑलरेडी इम्प्लॉयज थे उनकी 2 साल एज बढ़ा दी थी, 58 से 60 कर दी थी, अनएम्प्लॉयमेंट भी नाराज हो गया। और डेली वेजर का मुद्दा, उन्होंने एक र्यूमरिंग फ्लाई पहले 2014 जून में उन्होंने एक निकाल दिया कि ये 3 फेज में हम रेगुलर करेंगे, लेकिन नहीं किया, और उसका नतीजा ये निकला कि उनका एक भी कैबिनेट मंत्री, एनसी कांग्रेस कोल्यूशन सरकार थी, एक भी कैबिनेट मंत्री जम्मू में नहीं जीत पाया। और इन लोगों को सीखना पड़ेगा, इससे सबक लेना चाहिए, अभी मौका है, अभी टाइम है, लेकिन अगर ये टाइम निकल गया तो आप 50 पार की बात कर रहे हो, मैं तो कहता हूँ ये 10 में भी नहीं पहुंचेंगे। इनको समझना होगा ये खाली झूठे वादों से अब काम चलने वाला नहीं है। और हम एलजी साहब से भी कहते हैं कि आपका नाम विकास पुरुष के नाम से जाना जाता था, कि आप देश के विकास पुरुष के नाते आपको बहुत इज्जत मान सम्मान मिलता था, लेकिन हमें भी बड़ी उम्मीद थी जब आपने एलजी गवर्नर हाउस में हमारे साथ बातचीत की, हमारे साथ वादा किया, हमें बहुत बड़ा एक उम्मीद थी कि जम्मू की सबसे बड़ी चेयर के ऊपर बैठा हुआ एक इंसान जिसको हम विकास पुरुष के नाम से पहचानते हैं वो हमारे साथ वादा है कर रहा है, तो आज हमें इंसाफ मिलेगा। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप अपनी उस छवि के साथ इंसाफ नहीं कर पाए हैं, और आपको इस बारे में सोचना होगा कि आप कल जम्मू से जब जाओगे तो जो छवि आप पूरे हिंदुस्तान से बना के जम्मू में आए थे उस छवि के ऊपर एक ये बहुत बड़ा बदनुमा दाग होगा। आपको इस ओर ध्यान देके इस मसले का जल्द से जल्द हल निकालना पड़ेगा। चलिए सर आप बताइए, क्योंकि जब हमने विलय दिवस के दिन रविंदर रैना जी से पूछा था, उन्होंने कहा था कि अगर हमारे भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनेगा पहली कैबिनेट मीटिंग में आपका हल होगा, क्या कहेंगे आप? मैंने तो पहले भी एक दो दफा ये कह दी, हमारा किसी भी पार्टी के साथ कोई भी कमिटमेंट नहीं हुआ है कि हम पहले उनको सीएम बनाएंगे तो वो फिर हमें परमानेंट करेंगे। ये उनका अपना स्टैंड है, वो खुद जानते हैं उन्होंने ग्राउंड में क्या किया क्या नहीं किया। पार्टी से उम्मीद रखती ना, डेली वेजर रखे, हम भी उम्मीद रखी है, हमने 25 साल हुए उम्मीद रखे हुए, आपने ये रिकॉर्ड दिखाया सड़ा हुआ, हमारी तो जिंदगी सड़ गई है, हमारे बच्चों की भी सड़ गई है जिंदगी, ये रिकॉर्ड तो ना के बराबर की बात है। फिर भी मैं आपके माध्यम से कह देता हूँ, जिस भी डेली वेजर का रिकॉर्ड सड़ने की वजह से अगर कोई नुकसान होगा उस चेयर को माफ नहीं किया जाएगा, वो चेयर रोड के ऊपर होगी हमारे लिए, क्योंकि हम लोगों ने अपना जीवन दे दिया सारा, अभी हमारे बच्चों की जिंदगी का मसला है, इसीलिए कोई भी ऊंच नीच स्पेयर नहीं की जाएगी, चाहे वो ऑफिस की तरफ से हो चाहे बाहर की तरफ से। तो निश्चिंत रहे मेरे भाई, जहाँ भी हैं किसी का कोई रिकॉर्ड का इशू नहीं है,
सिटी बन का मसला है सिर्फ, वो जो दो चार लड़कों का मसला रहेगा वो भी चीफ साहब खुद टेक ओवर करके फिट करेंगे मसला। रही बात पार्टियों की, इधर एनसी का चीफ रहा, सीएम रहा, कांग्रेस का भी रहा, तो शायद अदर का पार्टियों का रहे, जे भी बन जाए सीएम हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर पहले हमारा डेली वेजर का जो 60,000 मुलाजिम है उसका भविष्य के बारे में सोचें, उसको जो बेनिफिट बनते हैं वो दें, जिसलिए हम 25-25 साल से रेगुलेशन पॉलिसी के लिए तड़फ रहे हैं, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, पहले उसकी तरफ ध्यान दें, फिर सीएम छोड़ के पीएम भी बने हमें कोई इतराज नहीं, मगर पहले हमारे बच्चों का भविष्य देखें। नहीं तो अगर हमें कोई सोचे पर टकाऊबाजी नीति अपना के बोर्ड ले जाएंगे, वो शायद अभी कभी नहीं होने वाला। हमने सभी गवर्नमेंटें देखी हैं, तो सभी गवर्नमेंटों ने हमारे साथ धोखा किया, एनसी लगा लो, कांग्रेस लगा लो, पीडीपी लगा लो, सब ने धोखा दिया, अभी बीजेपी की बारी है। तो इनके लिए साफ स्पष्ट संदेश है, पहले हमारी तरफ नजर मारो, जो 25 साल से डिपार्टमेंट में को फ्री में चला रहे हैं, अभी थोड़े दिन से पे का है, रेगुलर मिल रही है, नहीं तो ये भी साल में दो या चार मिलती थी, तो इस बार दीपावली 6 महीने पहले तैयारी चलती है, तो दीपावली पे होने के बाद बेची थी, वो भी इन्होंने 3-3 दिन की हमारी बेची काट ली, हमें उम्मीद थी ये बोनस देंगे, तो उल्टा बोनस हमसे काट के पता नहीं शायद गरीबों को कंबल बांटेंगे। ये बात चीफ साहब भी और प्रशासन भी सुन ले कि हम ही डेली वेजर हैं जो काम करते हैं, सिस्टम को चलाते हैं, हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहे हो। हम लोगों ने भी पीएच इम्प्लाई जुनाई फ्रंट जो रूटीन वर्क के हिसाब से जगह जगह जाके अपने कार्यकर्ताओं को अवेयर कर रहे हैं, हमारा अभी किसी दिन भी प्रोग्राम शुरू हो सकता है, फिर परेशानी दफ्तर को भी आई, प्रशासन को भी आई, इससे पहले वो चिताएं, तो जो हमारा एलिजिबल हक बनता है, नजायज नहीं मैं कहता, अगर 25-26 साल दिए हैं जो उसका हक बनता वो हमें दे, हम कोई उल्टी सीधी डिमांड करने के हक में नहीं, कोई आज़ादी लेने के हक में नहीं, हम खुश हैं अपने हिंदुस्तान में, मगर जो हमारा हक बनता उसको दें, तो उसके बाद जो कुछ जो बनना चाहता है वो बने, हमें कोई परेशानी नहीं। धन्यवाद सर, क्या कहना चाहेंगे, सियासी गतिविधियां भी शुरू हो चुकी हैं, क्या कहेंगे उन नेताओं को, क्या कहेंगे उन सियासी पार्टियों को जिन्होंने हमेशा आपके साथ पीएचई डेली वेजर्स का खास करके शोषण किया, हमेशा वादे किए और वादे खिलाफी किए, और आप भी उसी उम्मीद के उनके पीछे राह चल दिए, उनको सपोर्ट किया, पर हमेशा आपको मायूसी हाथ लगती है, क्या कहेंगे उन नेताओं को, उन सियासी पार्टियों को, आने वाले समय में किस तरह ये 65,000 डेली वेजर नहीं बल्कि 65,000 परिवार किस तरह से जवाब देंगे? शुक्रिया रश्मि जी, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊँगा, 2008 या 2009 की इलेक्शन थी, तब उमर साहब की पार्टी की तरफ से लोगों को स्लोगन दिया गया, ये लीडर सोचते हैं कि हम वादा करते हैं, स्लोगन देंगे और जनता भूल जाएगी, हम भूलने वाले नहीं हैं। इन लोगों ने तब कहा था 8वीं पास जो बंदा होगा, हर बंदे को हम एक जॉब देंगे, हर घर को जॉब देंगे, और वो पावर में आए, कोलिशन में कांग्रेस से पावर में आए, और हम करीब करीब जितने डेली वेजर हैं, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी डिपार्टमेंट के लोग, यूनियन के लोग, इनके चक्कर काटते रहे, 2-2.5 साल के बाद काफ़ी लीडर्स को मिलने के बाद वो कहते हैं जी हमारी जो है हम कोशिश कर रहे हैं, राठौर साहब नहीं मान रहा। उसके बाद हमने फिर एजिटेशन का रास्ता अपनाया, बीजेपी के लोग यहीं पे आते रहे, उन्होंने तब कहा जो आज कह रहे रविंद्र रैना जी कह रहे हैं ना, वो कहते हैं अगर हमारे एमएलए बनते हैं, हम किसी पार्टी में सरकार में आते हैं तो आपका हम पहली कैबिनेट में करेंगे। उससे पहले 2014 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब जो पहली बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे, तब उन्हें इलेक्शन में एक ललकार रैली हुई थी, उसमें बीजेपी की जो जम्मू कश्मीर टॉप लीडरशिप है ये सब बैठी थी, और उनको ये कहा गया था स्टेज से, मोदी साहब को बताया गया था कि जम्मू कश्मीर में 70,370 के बाद सबसे बड़ा जो मसला है वो 60,000 कैजुअल लेबर डेली वेजर है, और तब ये उनसे कहा गया था कि पहली कैबिनेट के जब सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट के बाद हम इस इशू पे गौर करेंगे और आपका काम करेंगे। 2014 से लेकर 7 साल हो गए, फिर ये कोलिशन आई पीडीपी बीजेपी की, उस कोलिशन में हमने शोर शराबा किया, इनको तंग किया, और तंग कर इन्हें एक ऐसा एसआरओ बनाया, ना वो जीने के लिए ना मरने के लिए, एसआरओ 520 वो, उसके खिलाफ भी हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि हमें ये मंजूर नहीं है, हमें एसआरओ 64 चाहिए जी। तो कुछ फाइलें, कुछ डिपार्टमेंट की फाइलें उसमें ओके हुई, ओके होने के बाद हम लोगों ने जब मैंने अपनी रिप्रेजेंटेशन दी कि हमें एसआरओ 64 चाहिए, ना कि एसआरओ 520 चाहिए, इन्होंने क्या किया, हाँ जी हमारे पास कमीशन साहब की बात, कमीशन साहब कहते हैं हमने ला के पास भेजा ओपिनियन के लिए, हमने कहा इसमें अगर आपने यही रखना इसमें चेंजेस कीजिए, चेंजेस करके एसआरओ 64 की जो सारी फैसिलिटी है डेली वेज की वो डालिए, तो हमें एक्सेप्ट है ये।
इन्होंने क्या किया, हम लोगों दौड़वा दिया पूरे डिपार्टमेंट को, कम से कम 5-7 तेरा फाइल जो सेक्टर पहुंचा दी, वो भी धोखा। पहला उमर साहब की तरफ से आया, फिर आया पीडीपी बीजेपी की तरफ से, फिर इन्होंने एक आर्डर निकाला कि आप लोग अपनी फाइलिंग कंप्लीट करो। हम लोगों को करीब करीब 6-6 महीने लगे फाइलिंग कंप्लीट करते, फाइलिंग कंप्लीट होने के बाद भी आज 2-2 साल फाइलें वहाँ पड़ी हुई हैं। जब सरकार टूटी, सरकार टूटने के बाद आज इनडायरेक्ट बीजेपी का रूल है, मैं मीडिया में बोल रहा हूँ, एलजी साहब उनके हैं, और हमें जो ग्राउंड पे हमारे साथ ही वो कहते हैं बीजेपी ने काम रुकवाया है, किसी भी प्रोजेक्ट पे वो काम नहीं होने दे रहे आपके। आप बताओ ऐसा रहो 202 पे काम हो गया, जो अभी मेरे भाई ने कहा कि जो रेज रिलैक्सेशन मिली, बाकी भी कई काम हुए, बाकी परमानेंट एम्प्लॉयज को यूटी के सारे बेनिफिट मिल गए, सिर्फ एक कैजुअल लेबर ऐसा है जिसकी दीपावली पे कार्ड दी गई और परमानेंट एम्प्लॉयज को बोनस दिया गया। अब आप बताओ हमारे पास कौन सा रास्ता है। रविंद्र रैना जी हमारे पास यहाँ आए थे, उन्होंने कहा था मैं एलजी साहब से आपको मिलाऊंगा, ये मार्च की बात है, 27 मार्च, आज इसको 6-7 महीने हो गए। अब आप किस पे आदमी विश्वास करेगा, एलजी साहब के पास जब हम गए थे पिछले साल 11 नवंबर की बात है, 1 साल और 7-8-10 दिन हो गए, उन्होंने कहा था कि डीडीसी इलेक्शन के बाद आपका इस प्रोसेस स्टार्ट होगा रेगुलाइजेशन का, लेकिन उससे पहले 3-4 दिन में कमेटी बनेगी जो आपके जैसे पीएचई का एक बड़ा मुद्दा है वो है पेंडिंग वेजेस और जो अदर छोटे छोटे मुद्दे हैं, 12 बोचरा राइड रहे या और मुद्दे जो डिपार्टमेंट के हैं, तो उन्होंने वो आप लोगों के साथ बैठ के हल किए जाएंगे और पॉलिसी पे भी काम जल्दी होगा। डीडीसी इलेक्शन अगर आपने नहीं करना था तो बीजेपी को हम ये पूछना चाहते हैं, बाकी पार्टियों को पूछना चाहते हैं, आप लोग अपने मैनिफेस्टो में क्यों रखे डिलीवरी का इशू, अगर आपसे नहीं बन पड़ता आज आप कह रहे हो हमारा चीफ मिनिस्टर बनेगा, जो बाकी पार्टी के चीफ मिनिस्टर बने उन्होंने क्यों नहीं किया।